Redmi Note 13 वर्सेस Poco X5 Pro। तो गाइस आज मैं करने वाला हूँ इसी दोनों फोन का कैमरा टेस्ट, कैमरा कंपैरिजन, इंडोर आउटडोर, बहुत सारे फोटोज और वीडियोस मैंने क्लिक किए हैं जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ ताकि आपको पता चल जाए कि इन दोनों में से किसका कैमरा क्वालिटी बेस्ट है। तो प्लीज़ वीडियो को बिना स्किप के एंड तक देखे रहे, और आप हमारे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि ऐसे ही वीडियो आप तक पहुँचाते रहे। हेलो वेलकम दोस्तों, मैं हूँ किशोर, आप देख रहे हो रातें भी 8। आई चलिए देखते हैं। तो दोस्तों हमारे पास Redmi Note 13 और Poco X5 Pro। तो गाइस बात करते हैं Redmi Note 13 की, तो यहाँ पे आपको ट्रिपल रियर कैमरा सेटअप देखने को मिल जाता है, जहाँ पे प्राइमरी कैमरा लगा हुआ है 108 मेगापिक्सल का, प्लस 8 मेगापिक्सल, प्लस 2 मेगापिक्सल। और गाइस बात करते हैं Poco X5 Pro की, तो यहाँ पे भी सेम वही ट्रिपल कैमरा सेटअप देखने को मिल जाता है, जहाँ पे प्राइमरी कैमरा लगा हुआ है 108 मेगापिक्सल का, प्लस 8 मेगापिक्सल, प्लस 2 मेगापिक्सल। और गाइस बात करते हैं दोनों ही फोन के फ्रंट साइड की, तो यहाँ पे आपको Redmi Note 13 के अंदर एक 16 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा देखने को मिल जाता है। और गाइस बात करते हैं Poco X5 Pro की, तो यहाँ पे भी आपको सेम वही एक 16 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा देखने को मिल जाता है। तो गाइस जैसे इस दोनों फोन का आप कैमरा ऐप ओपन करते हो तो यहाँ पे आपको कुछ ऑप्शंस देखने को मिल जाता है। तो फ्रेंड्स, इस सभी फीचर्स को यूज करते हुए इसे मैंने ढेर सारे फोटोज और वीडियोज क्लिक किए जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ ताकि आपको पता चल जाए कि इन दोनों में से किसका कैमरा क्वालिटी बेस्ट है। वैसे वीडियो के लास्ट में मैं मेरा ओपिनियन भी देने वाला हूँ कि मुझे पर्सनली इन दोनों में से किसका कैमरा क्वालिटी बेस्ट लगी। तो आइए चलिए देखते कुछ फोटोज एंड वीडियो सैंपल। तो दोस्तों इधर वीडियो देख रहे हो मैंने इसी Redmi Note 13 5G और इसी Poco X5 Pro 5G के फ्रंट कैमरे को यूज़ करते हुए क्लिक की है। यानी कि इन दोनों में से किसी कौन से आप ब्लॉगिंग वगैरह करते हो तो इसका वीडियो क्वालिटी जो आपको कुछ इस तरीके से देखने को मिल जाती है। तो फ्रेंड्स, आपको इन दोनों में से किसका कैमरा क्वालिटी बेस्ट लगी कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा। We'll be right back.
दोस्तों अभी जो अपने फोटोज एंड वीडियो सैंपल देखो, मैंने इसी पोको एक्स 5 प्रो और इसी रेडमी नोट 13 के फ्रंट और रियर कैमरा को यूज करते हुए क्लिक किए थे। तो गाइज आपको इन दोनों में से किसके कैमरा क्वालिटी बेस्ट लगी कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा। और दोस्तों बात करते हैं मेरे पर्सनल ओपिनियन की, तो मुझे पर्सनली पोको एक्स 5 प्रो का कैमरा क्वालिटी अच्छी लगी। और गाइज रेडमी नोट 13 इस कंपेरिजन में देखा जाए तो इतना भी अच्छा परफॉर्म नहीं करता कैमरे को लेकर। और गाइज पोको एक्स 5 प्रो के अंदर आप 4K वीडियो जो रिकॉर्ड कर सकते हो। और फ्रेंड्स आप भी फिलहाल पोको एक्स 5 प्रो यूज़ कर रहे हो और आप चाहते हो कि रेडमी नोट 13 ले, तो आपको ये गलती बिल्कुल भी नहीं करनी है। इस कंपैरिजन में देखा जाए तो साफ साफ विनर है यहाँ पे पोको एक्स 5 प्रो। आपको रेडमी नोट 13 जो बिल्कुल भी बाय नहीं करना चाहिए स्पेशली कैमरे के लिए इस कंपैरिजन में देखा जाए तो। और गाइस चॉइस इज योर्स, आपकी क्या नीड है, क्या रिक्वायरमेंट है, उस हिसाब से आप कोई भी एक स्मार्टफोन जो बाय कर सकते हो। अदरवाइज जो कम प्राइस में आपको फ़ोन मिलता है वो आप ले सकते हो अगर आप ब्रांड न्यू फ़ोन परचेस करने के सोच रहे हो तो। तो एपी गाइस कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, अगर आपका कोई भी सुझाव हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। एंड अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लो, क्योंकि मैं रोजाना ऐसे ही वीडियो लेकर आता रहता हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, आज के इस वीडियो में इतना ही दोस्तों, थैंक यू सो मच, बाय फ्रेंड्स।